अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं ताहिर खान। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। और पहले तो हम यही सोच रहे थे भाई कोई ठंड नहीं है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती थी और हमें ठंड महसूस ही नहीं होती थी। तो अब जो है ना, अब ठंड का पता लग रहा है। जैसे अभी धुंध शुरू हुई है ना, तो शहर में तो इतनी सुबह तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद धुंध की जो है वो कम हो गई, धुंध कम हो गई थी। जैसे ही शहर से मैं निकला और जैसे ही हम विलेज की तरफ आते हैं, तो जो धुंध की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब मींस के आप ये कह लें भी कैमरे में तो कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन वैसे कहीं ज़्यादा हो जाती थी कहीं कम हो जाती, लेकिन अभी यहाँ भी धुंध है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, शुक्रिया। तो आज आए हुए आज है पानी की बारी, और इसके बाद क्योंकि जो है नार जो होती है वो बंद हो जाती हैं, वो एक महीने के लिए बंद होती हैं, तो आज गंदम को खाद भी लगानी है और पानी भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी आए हुए हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। चलो काम तो करने हैं भाई, ठंड में तो वैसे भी मज़ा आता है, कहीं आग जला लेंगे। अभी निकलते हैं दूसरी ज़मीन की तरफ, वहाँ पर हमने पानी लगाना है और यहाँ से खाद उठानी है गोदाम से, और वहीं जाके चाय वगैरह बनाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड थी, मेरे हाथ जो है ना एकदम बिल्कुल सुन्न हो गए थे, अभी कुछ बेहतर हो गए हैं, क्योंकि ग्लव्स मुझे मिल नहीं रहे थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो अभी घर जाके ढूंढूंगा, आज मुझे ग्लव्स याद आए अभी, वो सर्दियों में वो भी काम आते हैं। चलो हेलमेट तो है मेरे पास, हेलमेट के बगैर तो काम नहीं चल सकता। चलो बहरहाल चल के काम करते हैं ठंडी ठंडे मौसम में। किसी जमाने में खराब चलें उस थोड़े थोड़े ज्यादा कर सकता हूँ उसी। अभी मैं दूसरे डेरे पे आ गया हूँ और पीटर चला दिया है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, मैंने कहा यार ये जो मज़दूर होते हैं हमारे पास काम करते हैं, तो ये कितनी मेहनत करते हैं, मतलब इतनी ठंड में कोई पानी में कौन घुस सकता है। हम तो अगर गीज़र ना चला हो तो ठंडे पानी से मुंह धोने में बड़ा मसला बन जाता है सुबह सुबह। तो अब जैसे ठंड बनी हुई, सारा दिन ठंड रहेगी, तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं यार। तो मेहनत मज़दूरी जो है ना आज के दौर में तो बहुत मुश्किल है। तो अभी जो है मेरा दिल कर रहा है कोई पकौड़े हों, कोई देसी अंडे हों, कोई चाय हो, ठीक है। तो यहाँ अवेलेबल तो है हर चीज़, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने वापस सिटी जाना है और एक ज़रूरी काम से जाना है मैंने आगे। तो अभी मैंने इनको सारा जो है खाद वगैरह डलवा लिया है, तो खाद डाल के पीटर भी चल गया है। पहले पीटर भी बड़ा मसला कर रहा था, चल नहीं रहा था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम हो गया था। तो अभी मैं सिटी की तरफ निकलने लगा हूँ, और फिर उसके बाद जो ज़रूरी काम होंगे, कोई अच्छा काम मिल गया तो आओ साथ साथ वीडियो बना लूँगा। अभी हम TCS दफ्तर आए हुए हैं और यहाँ पे एक पार्सल आया हुआ है, वो पता करने के लिए आया, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं धुंध की जो सिचुएशन है इधर सरगोधा में, अभी तो काफ़ी कम हो गई है, यहाँ तक तो नज़दीक कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। हमने बाइक्स की लाइट्स मंगाई थी, तो वो जो है ना बंदा ये कह रहे हैं जी बंदा आपके घर गया, लेकिन घर नहीं पहुँचा, बंदा आया नहीं है। तो अभी हम उनके ऑफिस आए हैं पता करने के लिए, हमें ये अभी तक होम डिलीवरी क्यों नहीं हुई। और इसके बाद बैंक जाना है, बैंक इंस्टॉलमेंट जमा करानी है, और उसके बाद जो है ना सुजुकी मोटर जाना है, वहाँ बाइक भी एक देखनी जो अभी नया मॉडल आया है, बाइक देख के, और मैंने अपने बाइक के डॉक्यूमेंट्स भी उठाने हैं। तो आज आपको ठंड में सैर कराते हैं सरगोधा की,
वैसे निकलने को दिल तो नहीं करता, लेकिन अब निकलना पड़ता है, काम जो होते हैं घर के तो वो तो जहर है, ठंड और बर्फबारी हो तो निकलना ही पड़ता है। अभी हम आए हैं तो डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिले और बाइक भी एक भी डिस्प्ले पे नहीं खड़ी हुई, तो अभी हम वापस निकलते हैं क्योंकि आपको पता है मुल्क के हालात जैसे बने हुए हैं तो कोई चीज़ भी टाइम पे नहीं आ रही, तो पार्ट्स पता करना था वो भी नहीं मिल रहे, तो अभी चलते हैं घर की तरफ निकलते हैं। छः वाली लाइटें हैं जी, ये हमने ऑनलाइन मंगवाई थी और ये बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की हैं। अभी फ्रंट पे लगेंगी, दोबारा जमा अच्छा ये डिम ठीक हो चलाई मिलो चलाई करूँ चलाई